लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखे, व्हेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, व्हेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म, व्हेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. The total amount of energy remains constant. Or energy can neither be created neither be created nor destroyed it can just be transformed from one form to another transformed from one form to another. ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो डेफिनेशन तो ये है इसकी, इसका डेरिवेशन भी आता है कि आप डिराइव करके दिखाइए किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री फॉल में, आप ये डिराइव करके दिखाइए कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है, तो ये एक टॉपिक है. यहां पर लिखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी मतलब अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें हम ये देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया, किसी बॉल को लिया, उस बॉल को लेकर हमने किसी एक हाइट से पकड़कर और ऐसे नीचे छोड़ दिया, तो हम ये कहेंगे कि जब वो बिल्कुल अपनी टॉप पोजिशन पर थी, यानी कि जब हमारे हाथ में थी, तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी. फिर जब वो मिड पॉइंट पर आई, मतलब आधे रास्ते में आई, तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी. और जब वो नीचे गिर गई, तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी. अगर वो सेम रहती है तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी सेम है, कॉन्स्टेंट है, मेंटेन्ड है, ये कहेंगे. और ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया उसमें. तो देखिएगा कैसे करेंगे. लिखिएगा इसमें, सपोज a body of mass m suppose a body of mass m is allowed to fall freely suppose a body of mass m is allowed to fall freely is allowed to fall freely from a height h from a height h or bracket mein likhiye as shown to
तो एक बॉडी है और उस बॉडी का मास हमने एम ले रखा है, तो सबसे पहले हमने कहा कि ये पोजीशन ए है, बॉडी यहाँ पर थी, फिर यहाँ से वो चलते चलते गिरते गिरते वो यहाँ पर आ गई, इसको हमने बोल दिया पोजीशन बी, फिर गिरते 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 यहाँ पर पहुँच गई, ये है पोजीशन सी। यह है पोजीशन सी। तो एक बॉल है जिसको हमने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, हमने ऊपर से ऐसे ही छोड़ दिया उसको, ठीक है। अब जब हमने बॉल को ऊपर से नीचे ऐसे छोड़ दिया और हमने कहा कि टोटल हाइट जो है ना, टोटल हाइट एच है, टोटल हाइट जितनी हाइट से उसको ड्रॉप करा जा रहा है वो एच है, तो मैंने बोला कि ए से लेकर और बी तक वाला डिस्टेंस जो है इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, तो B से C तक वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, H में से इसको X को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा, H माइनस X। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? दोबारा देखिएगा, हमने ये कहा कि टोटल जो हाइट है ना, जहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, वो टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हाइट है H, और मैंने अगर A से लेकर B तक वाली जो हाइट है इसको X मान लिया, तो ये कितना बचेगा, H, पूरा तो H था, H में से X को सब्ट्रैक्ट कर दिए, H माइनस X, ये बचा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, और ये होता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कंजर्व यानी कि सेम रहती है किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी आप निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि एट पॉइंट ए और जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, काइनेटिक एनर्जी निकालो और पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उनको दोनों को ऐड कर दो। तो एट पॉइंट ए यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कुछ रहेगी नहीं ना ऑब्जेक्ट की, भाई हमने उसको क्या करा, पकड़ कर ऐसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो जब हम उसको छोड़ रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो थी ना उस टाइम पर, फिर धीरे 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 वो नीचे गिरती रही, तो उसको अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड का बढ़ना, तो धीरे धीरे जब वो नीचे आकर गिरेगी ना, तो इस टाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगी वो, लेकिन जब हमने उसको ऐसे छोड़ दिया तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो थी। तो जब वेलोसिटी जीरो थी तो हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, एम इंटू जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी जीरो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पीई एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, एम जी एच, ठीक है। हमें हाइट कहाँ तक की लेनी होती है, ग्राउंड तक की हाइट लेनी होती है, तो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा तो यहाँ से लेकर और ग्राउंड तक का डिस्टेंस टोटल देखिए कितना है, एच है, तो क्या हो जाएगा, एम जी एच, ये हो जाएगा। उसके बाद हम ये कहेंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच। टोटल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिए, ये तो पॉइंट ए की बात है, उसके बाद बात करते हैं एट पॉइंट बी। तो जब पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी पर क्या होगा, जब पॉइंट बी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे भाई पॉइंट बी पर मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो जब ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक पहुंचा, तो पॉइंट बी तक पहुंचने में उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी होगी, शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी ना, क्योंकि उसको एज इट इज छोड़ दिया, उसको एज इट इज छोड़ दिया, तो उसकी वेलोसिटी शुरुआत में तो जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम ये कहेंगे एट पॉइंट बी पर फॉर ट्रैवलिंग
a distance for traveling a distance from A to B, for traveling a distance from A to B, u is equal to 0 meter per second, ठीक है, और s यानी कि A से लेकर B तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, s डिस्प्लेसमेंट कितना है x, ये हो गया। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, A को क्या लेते हैं, g लेते हैं, तो ए जी हो गया, ठीक है। और मुझे निकालना है यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, तो v कैलकुलेट करना है, तो जरा बताइए v, u, s और a, ये कौन सी इक्वेशन में आता है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हम ये कहेंगे भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है g और s कितना है x, ठीक है। तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx, ठीक है। अब यहां से मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो वो हो जाएगी अंडर रूट 2gx, मुझे निकालनी नहीं है वो, मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालनी, मेरे पास v स्क्वायर आ गया ना, बहुत है। इसका मतलब क्या है कि a से लेकर b तक, जब वो बॉल a से लेकर b तक पहुंची, तो जिस इंस्टेंट पर यानी कि b वाली पोजीशन पर जब वो पहुंची ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gx के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वही वाली वेलोसिटी मेरे को चाहिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वी स्क्वायर कितना है 2gx, तो भाई 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया एम जी एक्स, ये बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला था पॉइंट ए पर, फिर काइनेटिक फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाला एट पॉइंट ए, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे पॉइंट बी पर, यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, वो क्या हो जाएगी, तो पॉइंट बी पर है, अब वो बॉल जो है वो चलते चलते यहां पर आ गई, तो यहां पर उसका मास तो वही रहेगा m, ठीक है, g भी वही रहेगा, लेकिन जब यहां पर थी तो यहां से ग्राउंड तक का डिस्टेंस लिया था कितना था h था, अब बॉल यहां पर है तो यहां से ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है h माइनस x, तो mg इंटू h माइनस x, mg इंटू डिस्टेंस होता है या हाइट होता है, तो वो हाइट h ना होकर इस बार h माइनस x है, तो mg इंटू h माइनस x, mg इंटू h माइनस x, इसको एक्सपैंड कर दीजिए mg h माइनस mg x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट b पर जैसे आपने पॉइंट a पर टोटल एनर्जी निकाली, इसी तरह से पॉइंट b पर टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, तो माइनस एम जी एक्स और प्लस एम जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई एम जी एच, एम जी एच, ठीक है। तो पॉइंट ए पर भी हमारी टोटल एनर्जी जो है वो एम जी एच के बराबर थी, एम जी एच के बराबर थी, और पॉइंट बी पर भी हमारी टोटल एनर्जी एम जी एच के बराबर है। अब बात करेंगे पॉइंट सी की,
अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो जब पॉइंट सी की बात करेंगे तो पॉइंट सी में क्या है, हम क्या लिखेंगे। जैसे पॉइंट बी की बात कर रही थी तो हमने कहा कि बॉल ए से लेकर बी तक जो ट्रेवल करा बॉल ने, अब जब पॉइंट सी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि बॉल ए से लेकर सी तक जब ट्रेवल कर रही है, ठीक है। क्योंकि बॉल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसने कुछ रुक रुक गई है यहाँ पर, वो तो यहाँ पर ऐसे सीधे आकर नीचे गिर गई है। तो हमने तो एक इंस्टेंट की बात करी थी बी की, तो अब मैं कह रहा हूँ कि जब वो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो लिखेंगे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, तो जो पॉइंट ए था वहां पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही थी, पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और ए से लेकर सी तक उसने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल करा, ए से लेकर सी तक एच डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू एच, एस इज इक्वल टू एच, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो तो वही रहेगा जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन ए तो जी के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी निकालना है, तो यहां पर भी यू एस ए वी, कौन सी इक्वेशन, वही थर्ड इक्वेशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब g और s का मतलब h। तो वी स्क्वायर 2gh के इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया इसको, एक्चुअली यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बोल चुके हैं, तो सर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर पॉइंट सी पर कितना है 2gh, तो हाफ इंटू एम कितना है, एम तो एम ही है और वी स्क्वायर है 2gh, तो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी एम इंटू जी इंटू एच, कितना लेंगे, एच कितना लेंगे, हाइट कितनी लेंगे, पॉइंट सी पर है अब बॉल, हाँ 0 0, समझ गए भाई कितनी ऊंचाई पर है वो ग्राउंड से, जब पॉइंट सी पर है तो वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, भाई ऊंचाई पर है ही नहीं, वो तो ग्राउंड पर ही है, तो ग्राउंड से ग्राउंड का डिस्टेंस कितना होगा, 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी इंटू 0, 0 हो गया। तो यहां लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो एम जी एच। तो आपने 3 अलग अलग पॉइंट्स पर देख लिया, आपने पाथ ट्रेवल जो करा है, बॉल ने जो पाथ ट्रेवल करा है, आपने उसके पूरे पाथ को स्टडी कर लिया, और पूरे पाथ में आपने देखा कि पॉइंट ए पर अगर टोटल एनर्जी निकालें तो भी एम जी एच आएगी, पॉइंट बी पर अगर टोटल एनर्जी निकालें तो भी एम जी एच, और पॉइंट सी पर निकाली तो भी टोटल एनर्जी एम जी एच आएगी, ठीक है। लिखेंगे हेंस, ये तुम्हारी लगातार बात ही चलती रहती है, क्या पूछ रहे थे बता दो, एम जी एच, अच्छा तुम पूछ रहे थे लेकिन आवाज तो तुम्हारी आ रही थी, तुम बता रहे होगे उसको, उसने पूछा होगा तुम बता रहे होगे। अच्छा तो जरा मुझे भी बता दो क्या बताया,
हाँ तो वो स्टार्ट करा मेरे, ये बातें बातें मत किया करो तुम। हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड फॉर फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। तो अगर बॉडी फ्रीली गिर रही है ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सिर्फ इतना मत समझना कि आपसे सिर्फ एक डेफिनेशन पूछ ली और छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसके जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन देख लीजिए, तो एनसीईआरटी में ठीक ठाक क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें, और इसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, ये सबने नोट कर लिया, मिटा दूँ। हाँ अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, अभी पूरे चैप्टर में से हैं क्वेश्चंस। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वॉट इज द वर्क डन इन दिस केस। वॉट इज द वर्क डन इन दिस केस। देखिएगा, जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी दे रखा है डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, फोर्स कितना दे रखा है? 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, तो 7 8 56 न्यूटन, 56 जूल। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो 56 जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन व्हेन
When do we say that work is done? जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, फोर्स लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दीवार है, दीवार पर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दीवार ना हिलने को तैयार नहीं है. तो हम थक्कर चूर हो गए, बुरा हाल हमारा हो गया, थक्कर चूर हो गए लेकिन दीवार हिली तो नहीं. जब दीवार नहीं हिली तो इसका मतलब हमने कुछ भी वर्क नहीं करा है. ठीक है, हमने कितना भी चक्कर लगाए ग्राउंड के, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, दौड़ दौड़ कर हम बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर आ गए. ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वर्क हमने कुछ करा ही नहीं है. ठीक है, तो होता ये है कि जब भी फोर्स जो भी हम लगा रहे हैं वो फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है तब हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है, नहीं तो वर्क नहीं हो रहा है. ठीक है, तो एक लाइन में लिखिए इसका आंसर. लिखिएगा, वर्क इज सेट टू बी डन when a force produces motion in an object. Work is said to be done when a force produces motion in an object. अगर motion नहीं हो रहा है ना तो हम कहेंगे कि work हुआ ही नहीं है. ठीक, उसके बाद define one joule of work. डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क. वन जूल ऑफ वर्क इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन अगर आया, और आते हैं एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ. वन जूल ऑफ वर्क, तो जो वर्क है, वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वन जूल कैसे बनेगा? वन जूल कैसे बनेगा? फोर्स को रखो वन न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को रखो वन मीटर, बस. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे इफ, इसके आंसर में इफ फोर्स इज इक्वल टू वन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से. तो एस इज इक्वल टू वन मीटर, देन वर्क डन एफ इंटू एस. तो वर्क डन इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाइड बाई वन, यानी कि वन जूल. वन जूल, तो जब हाँ एफ इंटू एस है ना, तो एफ इंटू एस, तो डॉट लगा सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, आप डॉट लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया वन जूल. तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए बोला है, डिफाइन करने के लिए बोला है, तो एक लाइन में लिखकर बता दीजिए क्या कहेंगे. वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन प्रोड्यूसेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मीटर इन एन ऑब्जेक्ट, देन वन जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन. बस इतना. तो लिख लीजिए, वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन produces a displacement of 1 meter in the direction of force in the direction of force one joule of work is said to be done. अगला क्वेश्चन नोट करें.
पेयर ऑफ बुलक्स exerts a force of 140 newton on a plow. बुलक्स जानते हैं ना, बैल है ना, अपलो क्या, हल, हल जो होता है, ठीक है. ऑन अपलो द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग. द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 meter long. Full stop. How much work is done in plowing the length of the field? Employing the length of the field. तो 140 न्यूटन का, तो वो दोनों के दोनों जो बुलक्स हैं वो मिलकर 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उनको जो फील्ड जो प्लो करना है, फील्ड की जो खुदाई करनी है, वो 15 मीटर लंबा है, ठीक है. तो 15 मीटर तक उसको मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट दे दिया और फोर्स दे दी 140 न्यूटन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. Work done is equal to force into displacement. Force कितना है? 140 न्यूटन, 15 मीटर लॉन्ग फील्ड है, जीरो हो गया. 15 फोर्जा 60, 6 कैरी, 15 वन जा 15 और 6 21, 2100 जूल्स. फिर एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, वो आप नोट्स में जो मैंने आपको लिखवाया है उसमें से आप लिख सकते हैं. द एनर्जी पजस्ड बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. उसके बाद अगला बोल रहे हैं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये भी आपको पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. तो ये दोनों थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, नोट्स में इनका आंसर मौजूद है. अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, नोट करो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल is 25 joule, full stop. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? Kinetic energy short mein K hi likh rahe hain. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled?
क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 times? When its velocity is increased, थ्री टाइम्स. तो देखिएगा, सबसे पहले बोला है इन्होंने, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 meter per second इज 25 joule. तो पहले पहला वाला केस है, मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मास की तो जरूरत पड़ती है ना, मास दे नहीं रखा है तो पहले मास निकालेंगे. तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है कि मास कितना दे रखा है इसका, m, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 meter per second, और काइनेटिक एनर्जी 25 जूल. तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यही तो 25 जूल है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी दे कितना रखा है हमको, 25 जूल. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जूल हो गया. हाफ इंटू एम इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अब एम कितना हो गया, ये 2 तो यहाँ डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा. ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यहां मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा. 25 से 25 कट गया तो 2 आ गया. m इज इक्वल टू, तो मास m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम. ठीक है, तो मास m हमारे पास कितना हो गया, 2 किलोग्राम हो गया. चलिए जी, केस फर्स्ट से हमने ये निकाल लिया. उसके बाद वो बोल रहे हैं, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड. वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. केस सेकंड, एम तो चेंज नहीं हो सकता ना किसी ऑब्जेक्ट का, तो मास एम वो तो है 2 किलोग्राम. और अब इस वाले केस में जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 बोल देता हूं, तो ये पहले वाले केस की डबल हो जाएगी, 2v, 2 × 5 मतलब 10 meter per second. अब बता दो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम v1 square. भाई अब वेलोसिटी v नहीं है, अब वेलोसिटी v1 है, तो जब v1 है तो हाफ एम v1 square, समझ गए. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस, यानी कि सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम v1 square. तो हाफ इंटू 2 और v1 square मतलब 10 का स्क्वायर. हंड्रेड जूल ये हो गया. ऐसे ही केस थर्ड देखिएगा. केस थर्ड में वो बोल रहे हैं, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 times, यानी कि वेलोसिटी अब 3 times हो गई. इस केस में वेलोसिटी को आप v2 बोल दीजिएगा.
तो केस थर्ड, मास तो वही है 2 किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है उसको वी टू बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा 3V, तो 3 × 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी केस थर्ड की, तो के ई नीचे 3 लिख दिया, हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो हाफ एम कितना है 2, वी टू कितना है 15, 15 का स्क्वायर इज 225, तो ये 225 जूल हो गया। सही है जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज पावर, तो पावर आपको पता ही है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये तो आप अपने आप कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर, लिखिएगा डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। तो 1 वॉट पावर ये क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है जरा, है ना? इसको देखिएगा कैसे डिफाइन करेंगे। सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो इफ वर्क डन W इज इक्वल टू 1 जूल एंड टाइम टेकन T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे कि पावर कितनी हो जाएगी, वो 1 वॉट के बराबर हो जाएगी। सही है, तो यहां पर हम ये कहेंगे द पावर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, या परफॉर्म ना लिखकर टू डू लिखो, द पावर रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वन वॉट ऑफ पावर। ये 1 वॉट हो गई पावर की। यही इन्होंने पूछा था। हाँ, तब भी सही होगा, जब वर्क डन और टाइम टेकन इक्वल होंगे तो भी ठीक है, तो भी 1 जूल ही बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखें। अ लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। वन थाउजेंड जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स।
इन 10 सेकेंड्स, फुल स्टॉप, व्हाट इज इट्स पावर? तो वो पावर पूछ रहे हैं, जैसे हमने ये कहा ना कि पावर का फॉर्मूला एक ये होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। कोई भी बॉडी कितना वर्क कर सकती है, जितनी उसके अंदर एनर्जी है ना। तो एनर्जी के भी यूनिट जो है वो भी जूल होती है, वर्क डन की यूनिट जो है वो भी जूल होती है। तो अगर हम पावर को एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन लिखे ना, तो भी वो सेम रिजल्ट ही हमको देगा। तो वो पावर पूछ रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी कितनी है? 1000 जूल। टाइम टेकन कितना? 10 सेकेंड्स। जीरो से जीरो कट गया, 100 वॉट, 100 वॉट, सही है? डब्ल्यू लिख दो, बहुत है। अच्छा जी, इसके बाद आगे लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज पावर? व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर में लिखेंगे, एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये टोटल वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट है? हमने ये कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टुकड़ों में काम कर रहा है, टुकड़ों में काम करने का मतलब क्या है कि जब वो शुरुआत का 1 मीटर चला तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाई, जब आगे का 10 मीटर चला तो थोड़ी कम फोर्स लगाई, जब और आगे का 15 मीटर चला तो थोड़ी और कम या थोड़ी और ज़्यादा फोर्स लगाई। तो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग वर्क डन हो सकता है, ठीक है? ये ऐसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि हम अपने घर से चले थे, तो जब हम अपने घर से अपने स्कूटर पर चले तो हमने ये देखा कि रोड थोड़ी ख़राब थी या भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो हम थोड़ा धीरे चल रहे थे। तो हमने ये कहा कि स्कूटर ने लगभग 50 मीटर या 100 मीटर तक वर्क बहुत कम किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम फोर्स लगाकर धीरे 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 चल रहा था। तो वो कितनी देर में वो टाइम बीता? 2 सेकंड में, ठीक है? तो हमारे पास 2 सेकंड का टाइम हुआ, तो 2 सेकंड में उसने कम वर्क करा। फिर आगे खुली सड़क मिल गई, तो अगले 2 या 4 सेकंड तक वो उसने बहुत तेज स्पीड पकड़ दी। जब तेज स्पीड पकड़ी तो इसका मतलब क्या है कि उसने वर्क कुछ ज़्यादा करा। तो ज़्यादा वर्क करा तो वर्क अलग हो गया, और ऐसे ही फिर आगे देखा कि आगे जाकर ट्रैफिक सिग्नल पर रेड सिग्नल मिला, तो वर्क डन जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो रुक गया, वहाँ पर रुक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइम इंटरवल, 3 अलग अलग रोड के पैचेज हैं, तो 3 अलग अलग रोड के पैचेज पर अलग अलग वर्क करा, तो तीनों डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है उनको ऐड करा, और तीनों जो टाइम ड्यूरेशन हैं उन तीनों टाइम ड्यूरेशन को ऐड करा, हमारे पास एवरेज पावर आ गया। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकर, ये एवरेज पावर होता है, ठीक है? आगे के भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बस एक क्लास और लगेगी, मैं पूरा, बल्कि पूरी लगेगी नहीं, एक क्लास में या आधी क्लास में ये कंप्लीट करा दूंगा इसके क्वेश्चंस जो बचे हैं थोड़ी बहुत। कई बार क्या है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जो मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया उसी में से कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चंस थोड़े से अलग पूछे जा सकते हैं, तो वो देखना ज़रूरी है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए जी, थैंक यू। और जिन बच्चों को मैथ्स के टेस्ट के लिए बोला था, भाई आप तैयार रहिएगा, 10 बजे टेस्ट होगा संडे को, ठीक है? ट्रायंगल्स चैप्टर का।